कैसा एक्सपीरियंस रहा वरीना आपका लव यात्री का? बच्ची बड़ी होगी. कहते हैं जब दो लोग प्यार में होते हैं तो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत और रंगीन हो जाती है. और ऐसी ही खूबसूरत और रंगीन सी लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं ये दो खूबसूरत लोग. जी हाँ, आयुष शर्मा और वरीना हुसैन अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं फिल्म लव यात्री से. सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज हिंदी. थैंक यू. और उसके साथ मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे कि आप लोग बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. आयुष, पहला सवाल मेरा आप ही से है. एक यात्री हैं आप, बिजनेसमैन से खुद की एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी, देन बॉलीवुड. तो इस यात्री की ये यात्रा कैसी रही? कमाल की रही. कभी सोचा नहीं था कि बड़े पर्दे पे आऊँगा. मैं दिल्ली में पढ़ा बला हूँ तो अभी दिल्ली आके प्रमोशन करने को मिल रहा है तो ये तो एक ड्रीम था. अब अजीब लगता है कि एक्टर बन गए. बट यात्रा हैज़ बिन वेरी नाइस, वेरी स्वीट, वेरी बम्पी. और इस यात्रा का बेस्ट पार्ट ये है कि इसका एंड अच्छा होने वाला है. दिल्ली वालों का स्वैग ही कुछ और होता है. जी वो बात है, दिल्ली वालों का स्वैग ही कुछ और होता है. तो कितना समय लगा गुजराती रंग में आपको ढलने में? 6 महीने. 6 महीने लग गए. बट वो आपको मेनली डांस के लिए था कि गरबा सीखना बहुत ज़रूरी था इस फिल्म के लिए. तो हम लोगों ने काफ़ी गरबा सीखा, काफ़ी टाइम रिहर्सल हॉल पे रहे. लैंग्वेज हमने काफ़ी हिंदी रखी ताकि सबको समझ में आए, बट गुजरात को समझना, उनके डांस फॉर्म को समझना वो काफ़ी ज़रूरी था. एक फिल्म में डायलॉग है कि जब तू पहली बार उससे मिलेगा तो एक तरफ सूखा होगा और बारिश तेरे ऊपर होगी थोड़ी सी. तो वरीना को देखकर पहला रिएक्शन आपका क्या था रियल लाइफ पे? रियल लाइफ रिएक्शन वरीना वाज हाय. देन माय माइंड वाज लाइक हाउ ब्यूटीफुल इज शी, लाइक हाय. हसीन सटलिटी में मैंने हाय ऐसे बोला कि हाय हाय. जी जी, वरीना की खूबसूरती देख के हमने कहा ये मिल गई हमारी फिल्म की हीरोइन. जी जी, आपका क्या रिएक्शन था आयुष शर्मा आपके साथ समाल खान की फिल्म और आप डेब्यू कर रही है? हमारा पहला रिएक्शन था हाय. रिक्रिएट करके दिखाया? बिल्कुल दिखाइए. चलो हाय आयुष. हाय वरीना. हाय. बस ऐसे ही फर्स्ट मीटिंग तो ऐसे ही होती है ना. उसके बाद जो मैंने मतलब हमने फ्रेंडशिप मिलते मिलते ट्रेनिंग करते रीडिंग्स करते फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा हो गई कि अब ये बिना मेरे लेग पुलिंग किए इनकी इनका दिन स्टार्ट नहीं होता और मैं इनकी जैकेट चुराती हूँ. प्रमोशंस में देखा वो हम लोगों ने. कैसा एक्सपीरियंस रहा वरीना आपका लव यात्री का? बच्ची बड़ी होगी. काफ़ी अच्छा रहा है. एंड अभी सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर सकती कि कैसा सफ़र रहा है क्योंकि मैं आई एम फीलिंग वेरी वेरी नर्वस. अभी 5 को मूवी रिलीज़ हो रही है. बस इट्स लाइक मुझे लगा आप लोग को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को इतना प्यार मिल रहा है देश भर से. स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, स्पेशली गुजरात, तो इज़ लाइक वेटिंग फॉर लव यात्री. सलमान खान का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपका ट्रेलर देखा? उनका हर चीज़ का रिएक्शन जो मैक्सिमम वो देते हैं किसी चीज़ को ये. तो हमारा रिएक्शन ये था और कहा था कि उसको चलेगी. चलो उनका तो रिएक्शन ये था लेकिन जब वो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे दोनों को तब आप दोनों का रिएक्शन क्या था? तुम्हारा रिएक्शन ऐसा था जो आपने वो तस्वीर देखी है जिसमें हनुमान जी से हाथ जोड़ते हैं वैसे हम लोगों के हाथ जुड़े रहते थे क्योंकि ये ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट वो काफ़ी एक इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज की. हम जब भी उनके पास कुछ करके जाते हैं कि भाई कैसा रहा शॉट, इसको ऐसे भी कर सकते थे. मतलब कैची चल जाती थी हमेशा. जी जी जी. मरीना आपका रिएक्शन नहीं बताया आपने. किस चीज़ का रिएक्शन? सर जब आपको ट्रेनिंग देते थे. सलमान सर वैसे ट्रेनिंग तो हमारे ट्रेनर्स देते थे वो. हाँ, अगर हम थोड़ा बहुत लेजी होते थे तो वो एक कॉल आ जाता था कि क्या हो रहा है. सपोर्ट भी मिला थोड़ी बहुत, डांट भी मिली. वो देखो रिएक्शन देखो. वेल मुझे तो पिछले मेरा तो मतलब 6-7 महीने का वो था ट्रेनिंग प्रोसेस था. ये तो चार साल लगे. तो उधर आई सिंपथाइज विद यू.
चलिए, क्या सीखा आपने एक चीज सलमान सर? काफी कुछ सीखा यार, ये एक चीज मैं नहीं बता सकती, बट एक चीज अगर कहूँ तो आई वुड से बीइंग ऑनेस्ट। यस, बीइंग ऑनेस्ट नया ब्रांड लग रहा हमारा। ये बीइंग ह्यूमन हो गया, अब या बीइंग ऑनेस्ट हो गया। अभी हम एक नया ऐप डाउनलोड कीजिए, बीइंग ऑनेस्ट। आप सच सच लिख सकते हैं अपने बारे में। चलिए, हम आप ऑनेस्टी की बात करिए। आप दोनों को देखकर सच में, जब आप लोग, आपका ट्रेलर देखा, वाकई में बड़ी खूबसूरत सी लव स्टोरी है, बहुत ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही एक नया चेहरा बॉलीवुड को देखने को मिला है। आयुष, आपके लिए प्यार के क्या मायने, लव यात्री है, क्या बताना चाहेंगे प्यार के मायने क्या आपके लिए? मेरे लिए प्यार के मायने हैं कि आप लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, अपने लवर से एक्सपेक्ट मत कीजिए, बस दीजिए। आजकल के नए कपल जो हैं, काफ़ी मतलब वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो करो, ऐसा मत करो। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे की दूसरे को बदलें, वो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और आप जैसे हैं वैसे रहिए। लव यात्री से क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है आपको, और मुझे लगता है काफ़ी प्रेशर है, क्या है इस वक्त आपके मन में? नहीं, नो प्रेशर। हम लोग प्रेशर लेते नहीं है, देते हैं लोगों को, मतलब हमको लोगों को, मतलब हमारे क्रू के लोगों को। बट ऑन द अदर साइड, इट्स नॉट, आई एम नॉट नर्वस नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा प्यार मिला हमारे गानों को, ट्रेलर को, तो एक कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि यार इतना सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तो बस पारी हो जाएगी हमारी, बोट, तो हम बस उसमें एक्सपेक्टेशंस रहें कि हम जो चाहते थे फिल्म बनाना, जो हमारे एम था कि एक सिंपल स्वीट फिल्म बनाए, वो हमने बना दी, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को उतनी पसंद आए जितना हमें बनाने में मजा आया। सेट्स पे टाइम पे कौन आता था, मतलब हु इज वेरी अर्ली ऑन टाइम ऑन सेट्स? मैं हमेशा अपने कॉल टाइम के प्रिसाइसली 15 मिनट के बीच में पहुंच जाता था। बात करते हैं गानों की, तो हर तरह के गाने, सॉन्ग कहते हैं ना, हर एल्बम ऑफ द ईयर बन चुके हैं लव यात्री के गाने, पंजाबी गाना हो, गुजराती गाना हो, डांडिया, गरबा, एवरीथिंग मिक्स। आप दोनों का पसंदीदा गाना कौन सा था? कंफ्यूज्ड, क्योंकि हर दिन मेरे को कभी कभी चुकाड़ा बहुत लगता है, कभी कोई कहता है आपका रंगतारी में हमने बहुत अच्छा काम किया, तो रंगतारी में भी फेड हो जाता है। आज सुबह मेरी फैमिली के लोग आए थे तो उनका, यार धुरीड़ा में बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो सडनली आज सुबह से धुरीड़ा सुन रहा हूँ। बट आई थिंक जो प्यार चुगाड़ा को मिला है और जो रिकग्निशन हमको चुगाड़ा ने दी है, आई थिंक वो इसलिए, उसके लिए चुगाड़ा मेरे फेवरेट है। मुझे वो स्टेप बड़ा पसंद है जी, वरीना आप वो भी करके दिखाएंगे, आप भी करके दिखाएंगे, थोड़ा सा वो स्टेप भी चलाइए जी। जी, गरबा टीचर, यस यस यस, इसको आप ऐसे ता 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 ता। आयुष, आपकी खुद की एक लव स्टोरी है और सलमान खान जो अर्पिता के भाई है, प्यार के तो डरना क्या, मैं देखा था अरबाज खान वेरी प्रोटेक्टिव विद हर, क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ जब आपको घर में बताना पड़ा कि हाँ आई वांट टू मैरी अर्पिता? नहीं, वो काफ़ी सपोर्टिव थे, उल्टा वो देख के बोले अच्छा तुम शादी कर रहे हो, क्या बात है, मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे, खुश थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि उनका थोड़ा था कि अब शादी हो रही है, अच्छा है, कोई लड़का मिल गया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, चलो। तो ये वो वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस, उल्टा उन्होंने मुझे वेलकम फैमिली में बहुत अच्छे से किया है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि वो अर्पिता के भाई हैं, वो इतने क्लोज हैं मेरे साथ कि मैं उनको अपने खुद का बड़ा भाई मानता हूँ। तो उनके साथ एक फिल्म करना चाहेंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू नियर फ्यूचर, आयुष एंड सलमान खान इन वन फ्रेम, इंशाल्लाह। वरीना, अब आप डेब्यू कर रही हैं, तो क्या प्रेशर है दिमाग में, कुछ नर्वसनेस है, इतना बड़ा बैनर है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन क्या कुछ नर्वसनेस है आपके? नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, मूवी लॉन्च हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम अपने आप को फील करते हैं कितना बड़ा लॉन्च पैड मिला है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि यार एक हिंदुस्तानी लड़की का किरदार निभाया है, हिंदी बोला है, गरबा किया है, ड्रेसेस में वो अवतार में आप नजर आई हैं। जी जी, और वो मेरे कैरेक्टर, मेरा जो पर्सनल लाइफ, जो पर्सनालिटी है उसके एकदम ऑपोजिट है, बिल्कुल। तो उसमें भी मजा आया, अब देखते हैं, लोगों ने काफी प्यार दिया है, 5 अक्टूबर को भी प्यार दे दो, वेटिंग। अब मुझे लगता है कि आप दोनों का जो वो प्यार भरा अंदाज है, ऐसे ही प्यार भरे अंदाज से हमारे दर्शकों को कहें कि 5 अक्टूबर को लव यात्री ना मिस करें, वैसे मिस नहीं करेंगे, बट फिर भी अपने अपने अंदाज में, डायलॉग में बढ़िया से एकदम प्यार भरे। लोकपत न्यूज के सारे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज हमारी फिल्म देखिए लव यात्री,
एक बहुत खूबसूरत यात्रा है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको गाने देखने को मिलेंगे, हंसी मजाक मिलेगा, रोमांस मिलेगा, आप 110% हंस के थिएटर से बाहर निकलेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ आइए, हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है। बिल्कुल, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि इश्क से मेरा डायलॉग है, सुनिए, इश्क से पहली वाली मोहब्बत है। आपको आपको याद आएगी आपकी पहला क्रश, पहला रिलेशनशिप। इट्स अ फन मूवी, जैसे कि आयुष ने कहा कि हमने बहुत प्यार से बनाई है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ गो वॉच एंड फैमिली के साथ जाइएगा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, बीवी, बच्चे, सबके साथ एंड एंजॉय। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि वाकई में आपके बोलने से लोगों को इश्क हो ही गया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल दी बेस्ट फॉर द फिल्म। तो बिल्कुल 5 तारीख को अगर आपको भी किसी से मोहब्बत है तो लव यात्री देखना बिल्कुल ना भूले। मेरे सहयोगी संजय कुमार के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकपत न्यूज हिंदी।